30 किलोमीटर जाना 30 किलोमीटर आना। इस करके फिर मैं रूटीन ही बना लिया भी साइकिल पर ही चलिए आप। उड़े 4:30 बजे तुरे घर के, शाम को मैं 7:30 बजे दिल्ली पहुँच गया जी। मैं 14.5 घंटे लगे। मैं रोज़ 70 किलोमीटर डेली सवेरे एक्सरसाइज करा जी। अर्बन स्टेट चनारबाग मेरी रहायश है इतने पटियाले। हाँ इतने उड़े चल गया जी मैं राजपुरा, राजपुरे तो बसंतपुरा, बसंतपुरे तो मूड़े पर जखवाली, जखवाली तो फिर पटियाला, पटियाले तो बाईपास फिर आने वापस। जब मैं दिल्ली जाया इन्नी बारी 9 महीने हो गए, लोगों को मैं पता भी यार दिल्ली जा सकता रिश्तेदार में क्यों नहीं आ सकता बंदा। सरकार का सिस्टम है पंजाबी को खत्म करना। साड़ी सरकार का सिस्टम है फसलों ते नस्लों खराब। फसलों साड़ियाँ सरकार खराब कर रही है, कब्जे जमीन के हो रहे हैं, किसान बैठे हैं। नस्लों साड़ियाँ आ पंजाबी खत्म होगी, जे पंजाब खत्म, पंजाबी खत्म होगी पंजाब खत्म। कई तो पुत अपने बाप को देख लग जा, पर असं अपने पुत को देख लगे हूँ, असं हमें कहा भी मन देख के कोई होर लगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। मेरा नाम है जी कमलजीत सिंह जोगीपुर, तो मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चो मैनेजर रिटायर होया। तो जो मेरा सैकल है, ये सैकल मैं 2017 से लगातार चला रहा जी। सैकल चला के कई फायदे हैं। इस गल एक तो हमारी सेहत ठीक रहा, हमें प्रदूषण से बच जहाँ, साड़ी खर्चा घट है क्योंकि जो पेट्रोल है 100 रुपये लीटर हो गया। इस करके साड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती है, खर्चा भी घट जहाँ, प्रदूषण से भी लोग बच जहाँ, लोगों को मैं प्रचार भी हो जा भी असं बदते बद सइकल जाइए, मन देख कर लोग सइकल चला लग गए। इस का मन बहुत फायदा, लोगों की सेहत ठीक रहेगी, इस करके हमें सइकल चलावे। मेरा ना मुंडा वो पहला स्केटिंग करे करेगा जी, फिर वो सइक 10वीं तक उन्हें स्केटिंग करी। मेरी शुरू से सलाह थी भी उन्होंने सइकलिंग पाव जी, फिर मैं उन्होंने सइकलिंग छड़न वास्ते जाया करा यूनिवर्सिटी के, यूनिवर्सिटी छड़न लग गया। फिर उत्थे जब मुंडे सइकल चलाए गए, मैंने भी देख कर लगे भी मैं भी यार भी सइकल क्यों ना चलावा। फिर मैं सइकल जरा स्टार्ट कराया वो जरा स्कूल वाला सइकल है 10वीं वाला जी, पहला मैं वो सइकल चलाया। मैं चलाया जी पहले दिनों 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलाया, मसा चलाया 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर आया मेरे पट्ट फुल गए, लत्त सुज गई, बुरा हाल हो गया। मैं क्या यार पंगा ही ले लिया जो। फिर मैं सोचा भी चलो जब जवाक छोटे छोटे चला रहे आप क्यों नहीं चला सकते। फिर मैं हौली हौली चलाना चाहता 5 किलोमीटर चलाया जी, मैं हफ्ता 5 किलोमीटर चलाया। फिर मैं 10 किलोमीटर चलाया, 10 किलोमीटर चलाया, 15 करया 20 करया 30 करया, इतना करने करके फिर मेरा रूटीन बन गई। फिर मैं मैनेजर लग गया करहाली साहब, मेरी ड्यूटी लग गई मैनेजर लग गया। फिर मैं थोड़ा जा होर सौखा हो गया क्योंकि मेरे घर दे ले गया करहाली साहब 30 किलोमीटर पै गए, 30 किलोमीटर जाना 30 किलोमीटर आना। इस करके फिर मैं रूटीन ही बना लिया भी साइकिल पर ही चलीए आप, नाले तो अपनी एक्सरसाइज हो जाएगी, नाले लोगों का प्रचार हो जाएगा साइकिल का, नंबर 3 अपनी खर्चा घटेगा। इस करके मैं 30 किलोमीटर जाया करा, 30 किलोमीटर आए करा जी। पहला मैं पटियाला रहा जी, पटियाला मेरे पटियाला रहा सौखी थी। फिर मैं जब मेरी बदली करहाली साहब की होगी, फिर मैं साइकिल पर जाने की आदत बना ली। मैं स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं गया, फिर मैं साइकिल पर जाता रहा। मैं भी एक किसान के घर पैदा होया, पहला मैं किसान के घर पैदा होया, बाद में पढ़िया लिखिया, पढ़ लिख के बद के मैं श्रोमणी कमेटी में मैनेजर लग्या। जब मैं नौकरी करा मेरे दिल में भी आया भी यार लोग ट्रालिया में जा रहे हैं, मोटरसाइकिलों में जा रहे हैं, कारों में जा रहे हैं, भी आप भी क्यों ना चलीए, क्योंकि साइकिल मैं रोज़ चलाया करना, मैं पता था आस दी भी मैं पहुँच जाऊँगा। मैं सोचा भी चलो आप साइकिल पर चलीए, भी साइकिल पर चलिए दिल्ली में प्रचार करना, नाले अपना हिस्सा पै जाएगा, क्योंकि मैं भी किसान, मेरे भी किसानी का खून है, मैं भी खेती करता रहा, खेती नाल जुड़िया वा। फिर मैं साइकिल पर गया जी, मैं मतलब उड़े 4:30 बजे तुरे घर के, तो शाम को मैं 7:30 बजे दिल्ली पहुँच गया जी। मैं 14.5 घंटे लगे, 14-15 घंटे रास्ते बच्चे लोग मैं इन्ने मिले, मतलब लोगों ने मतलब इन्ना प्यार कर, मतलब मैं थकावट नहीं हुई। लोगों ने देखा भी यार लगे अजूबा जा रहा यार, एक साइकिल लाया, साइकिल के पिछले ट्राली पाई भी है, क्योंकि ये चीज़ें घट है, बहुत घट है यही चीज़ देखी लोगों ने। जो रोड़ बड़ी रोड से जहाँ आप हरेक बंदा ट्रक वाला हॉर्न मार के, गड्डी वाला हॉर्न मार के, कोई जूस फैला रहा, कोई खाण नूं दे रहा, बिस्कुटों में पैड दे रहा, कोई कुछ दे रहा, कोई कुछ दे रहा, अलग यार साइकिल बंदा दिल्ली पहुँच गया। लोग तो साइकिल पर मोटर चला नहीं जाते हैं भी, एड्डा बंदा इन्ने साइकिल चला के दिल्ली की तरह पहुँच गया। 250-225 किलोमीटर पे मैं जो ट्राली में ले गया था, इसके बीच मेरा बैग था कपड़े दे जी, ये घट्टो घट 30-35 किलो वजन आ जा जी, मैं खिंच लिया जो। फिर उत्थे जा गया, फिर मैं हफ्ता रहा दिल्ली, फिर मैं उत्थे पानी दी पेटियां लदियां जी, पानी दी पेटियां लद गया। फिर मैं जो उत्थे अपना सफर है सिंघू बार्डर, वो KMP रोड तो घट्टो घट 8-10 किलोमीटर का फासला हैगा जी, क्योंकि लोग तुरे तुरके जाएंगे तो भीड़ बहुत ही उत्थे। फिर मैं ये पानी दी पेटियां लदियां, पानी दी पेटियां लद गया, फिर मैं मतलब रोड के उपर ले जाकर बिच रख लेना पानी, तुरे जाते लोग जो कोई जा रहा कोई आ रहा कोई आ रहा, उन्होंने पानी जिन्हें लोड़ है, मतलब रास्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं आई पानी की, इस करके मैं उन्होंने पानी पिलाता रहा। मैं दिल्ली 5 बारी साइकिल से जाया जी। मैं हर महीने गया जी, मैं दिसंबर च गया, पहला 5 दिसंबर में गया, फिर मैं 13 जनवरी में गया जी,
फिर मैं 5 फरवरी गया, फिर मार्च च गया, मैं अप्रैल च गया, फिर मई च गया जी। 5 गेड़े मैं सैकल पर लाया। लोग देख के मैं हूँ बाजार जाना, जो बाजार जाना मैं सैकल लैके जा अपना, सैकल पिछले भी ट्राली पाई मंडी सब्जी मंडी। हूँ सवेरे सब्जी मंडी में जाऊँगा मैं अपनी, बिच प्याज आलू जो मर्जी, झोला चकने की लोड़ नहीं कोई। हूँ मोटरसाइकिल पर जाएंगे आप एक चार नेमू नहीं ले सकते, हाथ के बिच लफाफा नहीं फड़ सकते। इस करके ट्राली का फायदा है, बस जिन्ना मर्जी समान लो, प्याज लफाफा भरो बिच, लफाफा भरो बिच, तो सारे काम करा नाले, तो एक्सरसाइज हो जा नाले, बाजार का समान ले जा। बाजार कितने भी जाना, मैं कितने भी जाना, अपने रिश्तेदारी 20-25 किलोमीटर जाना कितने, मैं साइकिल से जा। तो मैं रोज़ 70 किलोमीटर डेली सवेरे एक्सरसाइज करा जी। अर्बन स्टेट चनारबाग मेरी रहायश है इतने पटियाले, हाँ इतने उड़े चल गया जी। मैं राजपुरा, राजपुरे तो बसंतपुरा, बसंतपुरे तो मूले पर जखवाली, जखवाली तो फिर पटियाला, पटियाले तो बाईपास, फिर आने वापस करा। मैंने 70-75 किलोमीटर पै जाते, मैंने 3 घंटे लग जाते जी। नहीं थकावट कोई, अपना शरीर अपन कोई है नहीं किस्म की। मेरा एक्सरसाइज मतलब जी एक्सरसाइज की साइकिल एक्सरसाइज इन्नी वधिया, इस गल मतलब थोड़ा कोई हो जिम जुम जाने की लड़ नहीं है। इस गल कई कम हो जाए, एक तो एक्सरसाइज होगी मारी, कम हो गया, प्रदूषण से बच गए है जी, ना सा सफर तय हो गया। इस गल जिम जुम जाने की, लोग जिम जिम जाकर फिर साइकिल चलावा उतने, वो कोई फायदा नहीं। कार में जाएंगे उतने साइकिल चलावेंगे, साइकिल भी उतना चलावे जितने शीशे लगे हुए हैं, शीशे लगे कोई उतने आक्सीजन नहीं। हूँ मैं पिंडों के जहाँ गाँव में जहाँ स्नेहा दें लोगों को एक भी भाई निकलो बाहर सवेरे उठो साइकिल चलाओ। मैंने देख के लोग रोड जो रोड सड़क पर फिर या खेतों में जहाँ लोग जो मोटरसाइकिल कारा जहाँ मोटर पर जहाँ वो भी देख के चलाव साइकिल। मैंने कई रास्ते मिला जवाक अंकल जी थमें कमाल करा थमें थमें साइकिल चला रहे मोटरसाइकिल। मैं भाई साइकिल चलाया करो, एक्सरसाइज बनेगी ना थोड़े पैसे बचने, चार खर्चा बचूगा घट्टो घट्ट। जो हमें जिमीदार हैं मन मोटर पर तो साइकिल पर जाना चाहिए ना, मोटर पर मोटरसाइकिल पर जा रहे। मैं क्या मोटर पर जाना तो साइकिल पर जाओ, मोटर तो हैगी है ठीक है नहीं, साइकिल पर जाओ, साइकिल पर जाकर उतना मोटर साइकिल पर जाकर उतना मोटर चलाओ, फिर मोटरसाइकिल बन जाएगा, फिर मोटरसाइकिल बन जाएगा। देखो जे तो हमें एक्सरसाइज करनी है फिर तो मैं वधिया साइकिल लेना पवेगा थोड़ा जिहा। जो हुण जिहा साइकिल है मेरा साइकिल गेयरां वाला, 21 गेयर है, 7 स्पीडा ने, 7 पिछे 3 मूहरे, 21 स्पीडा ने। 21 स्पीडा जो फायदा हूँ जिम्मे पुल पुलों पर चढ़ा हमें। हूँ मैं पौंटा साहब गया था साइकिल पर, पौंटा साहब भी जाके आए, आनंदपुर साहब जाके आए, फतेहगढ़ दमदमा साहब साइकिल पर जाके आया। पहला मैं नए रूट कटे सारे, दमदमा साहब, पौंटा साहब, आनंदपुर साहब, उसके बाद फिर मैं दिल्ली खिंचया। ये मैंने पवे 140-145 किलोमीटर, मैं क्या यार आप 140-145 किलोमीटर चल सकते, दिल्ली किन्ना 225-250 किलोमीटर, एक दिन ही 2 दिन लग जाएंगे। पर मैं एक दिन बाद पहुँच गया, मैं मेरा हूँ रूटीन मैंने पता लग गया भी इन्ने बजे मैं उत्थे पहुँचना, इन्ने बजे उत्थे पहुँचना, तो मैं 14 घंटे पहुँच जा। हूँ जितना पुल पर चढ़ना, हूँ जिन्नी दिल्ली जाते किन्ने पुल आने हैं, पुलों के पर आप छोटा गेयर बेड़ा करके आराम ना, जिम्मे ट्रक का लोड पैदा गेयर छोटा कर लिया उपर चढ़ गया, उस सिस्टम है जहाँ ये जिम्मे ट्राली पिछले पीछे बड़ा बड़ा जोर लगता गेयर छोटा कर लो, कोई दिक्कत बाधी नहीं आती। अपना सीट उच्चे होने का यह मतलब ये जी सीट साड़ी लक के बराबर होनी चाहिए घट्टो घट्ट, साडा मतलब पैर सीधा होना चाहिए, पैर सीधा होएगा ता ही साढ़ा फिर ता जोर लगेगा पट्टा का गोड्या का। हूँ कई लोग साइकिल ने मतलब सीट बहुत नीवी करके चलावा, और गोडे पैर सीधे नहीं होने, पैर सीधे होने चाहिए। देखो साइकिल का ख्याल आया भी हाँ रोज़ रोज़ सवेरे ही जाना, जिस एक्सरसाइज करेंगे तो साइकिल ठीक होगा ता ही आप सवेरे ही जाएंगे। हूँ शाम को जो साइकिल करके चला के आना, आगे कपड़ा मारना, तेल पानी देना, चेक करना, सारा खड़ा देना, फिर दिन च भी जाना कितने जाना होर जाना ता भी कम है। हूँ सवेरे एक बार देखा भी अपना साइकिल ठीक है, चक्या साइकिल चला रखे, हूँ आप साफ सुथरा भी साइकिल साफ रखें ता ही अपन लेकर जाएगा ना, जो आप साइकिल साफ नहीं करेंगे अपन कितने लेकर जाएगा। ये जिमें अपनी सेहत जरूरी है, अपन साफ रखना रहना चाहिए, इस तरह साइकिल भी जरूरी है सफाई बात है। नहीं हूँ मेरे रिश्तेदार सारे मेरी पहचान होगी, जब मैं दिल्ली जाया इन्नी बार 9 महीने हो गए, 9 महीने लोगों को मार पता भी यार दिल्ली जा सकता रिश्तेदार में क्यों नहीं आ सकता बंदा। वीडियो देखी लोगों ने बढ़िया, लोगों ने मतलब बहुत लोगों ने प्यार करा, मैंने देखे लोगों ने साइकिल भी बहुत लाए। मैंने लोगों ने कहा भी जब मैं कराली साहब जाया करा ना, मैंने लोगों ने कहा मैनेजर साहब भी हमें भी साइकिल लेंगे, हमें भी साइकिल लेंगे। एक बंदा आ गया मेरे को, मैनेजर यार मेरा छोकरा कह रहा साइकिल लेकर दे। मैं क्या साइकिल मंगया, मोटरसाइकिल तो नहीं मंगया, साइकिल मंगया, क्या मंगया तो साइकिल, मैं मोटरसाइकिल मंगता ना पैसे लाँगा ना साइकिल में तेल पाँगा, साइकिल मंगया साइकिल तू भी चला देगा, वो भी चलाएगा। इस करके साइकिल मेरे लोगों को मतलब बड़ा उत्साह मिलता है सानू देख के ना, लोग उत्साह सानू भी खुशी महसूस होती है, सानू देख के कोई असं कहने भी मैं समाज में आए हैं कि चंगा काम करिए, लोगों ने चंगे पासे लाइए। हूँ आ देखो आ मैं बोर्ड लाया मूहे, नशे छड़ो कोड बढ़ो का, क्योंकि मारे पंजाब में बहुत बदनाम कराया गया भी पंजाब में नशे बहुत हैं, अब मानू भी पता भी नशे बहुत, नशे भी सरकार बका रही, इस करके हम मतलब किसी रोक तो आप कह नहीं सकते भी घट जा भाई नशा ना करना, नशा करना, इस करके बोर्ड लाया भी लोग पढ़े इन पढ़ के लोगों का माड़ा उत्साह मिले लोगों को भी यार देखो एक बंदा इन्ना प्रचार कर रहा, किसी ना किसी का असर होगा ना, कोई ना बंदा पढ़ूगा असर होगा। आ पिछले हूँ बोर्ड लगे पिछले पंजाबी बोलो पंजाबी बोलो लिख के लाया पिछले मैं प्लेट, हर बंदा इन पढ़ा ही है भी पंजाबी यार, क्योंकि पंजाबी मारी माँ बोली है। सरकार का सिस्टम है पंजाबी ख़त्म करना, साड़ी सरकार का सिस्टम है फसल तो नसलों खराब करो, फसल साड़िया सरकार खराब कर रही है, कब्जे जमीन के हो रहे हैं, किसान बैठे हैं, नसल साड़िया आ पंजाबी खत्म होगी जे पंजाब खत्म, पंजाबी खत्म होगी पंजाब खत्म है। हुण हमें पंजाब के बना
जिन्ने मारे बोर्ड लगे हुए, कोई बोर्ड लगे वा कोई कितने लगे, टोल प्लाजे दे जां मील पत्थर जां दुकान ते है उपर अंग्रेजी लिखी हुई, उहदे बाद हिंदी पंजाबी थल्ले तीसरे नंबर पंजाबी लिखी है। जबकि जिहड़ी स्टेट के विच जिहड़े सूबे के विच हमें जहाँ उत्थे उस सूबे की भाषा उपर होनी चाहिए, ताकि जब हमें पंजाब में बने मन पता लगे भी पंजाब शुरू हो गया। हुण जे हमें लिखी हुई तो अंग्रेजी है, मन कितने लगे पंजाब शुरू हो गया। हुण शंभू है, शंभू अंग्रेजी में लिखे वा, हालांकि शंभू हले हरियाणी चल रहा जां हिंदी हिंदी लिखी है, शंभू पंजाबी लिखा उत्थे लिखा होगा। हुण जे टोल प्लाजा है उत्थे पत्थर लगे बोर्ड लगे उत्थे पंजाबी में पहना, उहदे बाद हिंदी, उहदे बाद अंग्रेजी। हुण रोड ते समय चले जाओ जिथे मारे चले जाओ सारे बोर्ड अंग्रेजी के विच। सरकार दीआं पॉलिसीआं पंजाबी खत्म करिए, पंजाबी खत्म होगी पंजाब दा इतिहास खत्म हो जूगा, लोग इतिहास नहीं पढ़नगे, इतिहास खत्म हो गया साडी जनरेशन खत्म हो जूगी। जिहड़ा बंदा अपने इतिहास नूं भुल गया अपनी माँ बोली नूं भुल गया, वह नसलां खत्म हो जांदियां ने। इस करके असीं प्रचार करदे आ वी अपनी माँ बोली नूं वध ते वध प्यार करो, अपनी माँ बोली है जिहड़ा अपनी माँ बोली प्यार, भाषा जिन्नी मर्जी सीखो वध ते वध सीखो जिन्नी मर्जी वध सीखो, पर जिथे मैं रह रहे उत्थे मैनूं पंजाबी बोलनी चाहिए है। जिथे मारे गाँव बोली है उत्थे अपनी बोली बोलो, पंजाब करो, उही साडी पछाण है। जे असीं पंजाबी बोलेंगे पंजाबी नाल ही साडी पछाण है, भी असीं पंजाबी हाँ, पंजाब च पंजाब च रहने असीं, तां ही साडी पछाण आऊगी। हाँ, मेरा बेटा बीए कर रहा जी, वो साइकलिस्ट है, नैशनल प्लेयर है, वो सिल्वर मैडल है, वो वधिया गेम करता है, आओ पंजाबी ट्रैक पर भी करता, रोड पर भी करता जी। हाँ जी, मैं भी उन्होंने देख के लगे जी उस साइकिल, मैंने हूँ लोग ना कई बार उल्ट हो गया ना कम, कई तो पुत अपने बाप में देख के लग जा, पर असं अपने पुत्र देख के लगे, हूँ असं हमें कहा भी मन देख के कोई होर लगे। हूँ मारा पिंड में जाने का यही करना है, हूँ मैं बड़ी सड़क भी चला सकता, उरे भी चला सकता, आर्म स्टेट में भी, पर पिंड में जाने मारा यही करना भी मन देख के लोग कुछ चंगे स्थल है। हाँ, देखो किसानी संघर्ष ना तो मैं जुड़े ही हाँ, मैं रिटायर हो गया, मैं दिल्ली जाया, हूँ मेरी रूटीन बनाई भी है, साढ़े चौंक है पटियाले उरे बाईपास से राजपुरा रोड से, उत्थे साडी हुण रोज़ ड्यूटी है, शाम को 5 बजे तो लेके 7 बजे तक खड़ना झंडे लेके उत्थे किसानी झंडे, पहला मैं कला खड़ा रहा हफ्ता लगे, हूँ मेरे ना घट्टो घट्ट 25-25 बंदे होर आने लग गए शाम को खड़ते हैं। हूँ भी मैं उत्थे जाना, उत्थे जाऊँगा, उत्थे जाके खड़ूंगा, 2 घंटे मैं लाने लाने उत्थे किसानी प्रचार का, क्योंकि मैं किसान है, किसानी का खून है। असीं लोगों को जिन्ना प्रचार करांगे जागरूक करांगे उन्ने साडी संडा संघर्ष तेज़ होगा। इस संघर्ष को तेज़ करने वास्ते असीं चौंकां दिखांदे लोगों को सामने, जो लोग हल तक नहीं गए उन्होंने भी साडा यही आदेश है भी जिहड़े नहीं गए भाई दिल्ली चलो, दिल्ली जाओ, उत्थे जाके देखो। हुण साइकिल का मतलब यही गल होगी, मतलब जिते भी जाना साइकिल चकना ही चकना है सै। हुण मतलब कोई ऐसा लगता भी राजपुरा 25 किलोमीटर है जां चंडीगढ़ 60 किलोमीटर है। चंडीगढ़ मैं जाके आया, चंडीगढ़ मटका चौंक जाके आया, मैं नंग सिंह बैठा, तो बापू लाभ सिंह उन्होंने मिल के आया, मैं उसके कोल बैठ के आया, उन्हें मैंने शाबाश मेरे फोटो चराइया, उन्हें बड़ा मतलब सत्कार करे। उत्थे मैं झंडे लाके सारे चंडीगढ़ 2 दिन रहा, मैं चंडीगढ़ सारे चंडीगढ़ गेड़े गेड़े चौंकों च बंदे खड़े हैं, ये मैं ही प्रचार करके झंडे लाके गए चंडीगढ़।